16 मई 2023 बड़े मंगलवार की रात करें या 5 गुप्त उपाय, जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी आपको मुक्ति। हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, आज 16 मई है और आज ज्येष्ठ महीने का दूसरा बड़ा मंगलवार है। पहला बड़ा मंगलवार 9 मई 2023 को पड़ा था। वेद पुराणों में साफ साफ कहा गया है कि बड़े मंगलवार की रात किए गए उपाय कभी भी खाली नहीं जाते हैं। अगर आप बड़े मंगलवार की रात कोई भी पूजा साधना क्रिया करेंगे, उसका असर आपको तुरंत देखने को मिलता है, क्योंकि बड़े मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। दोस्तों, ज्येष्ठ महीने की शुरुआत 6 मई 2023 को हुई थी, इसका समापन 4 जून 2023 को होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ज्येष्ठ महीना हमारे हिंदू धर्म का सबसे पवित्र महीना होता है और ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाला प्रत्येक मंगलवार बड़ा मंगलवार होता है। तो ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाला प्रत्येक मंगलवार बड़ा मंगलवार कहलाता क्यों है, तो बता दें दोस्तों, ज्येष्ठ महीने के पहले मंगलवार को हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम जी से मिले थे। ज्येष्ठ महीने के दूसरे मंगलवार को हनुमान जी महाराज को अमरता का वरदान प्राप्त हुआ था। ज्येष्ठ महीने के तीसरे मंगलवार को हनुमान जी महाराज ने महाभारत काल के समय में भीम को हरा करके उनके घमंड को तोड़ा था। और ज्येष्ठ महीने के चौथे मंगलवार से हनुमान जी अपने हर भक्तों के संकटों को हर लेते हैं, इसीलिए उनका नाम संकट मोचन भी पड़ा था। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से बीमार हैं, आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, नौकरी की तैयारी कर करके आप थक चुके हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया, आपका व्यापार चलना बंद हो गया है, घर की दशा अच्छी नहीं चल रही है, घर की बरकत उन्नति रुक गई है, आप हमेशा तनाव परेशानियों से घिरे रहते हैं, तो इसकी वजह क्या हो सकती है? तो दोस्तों, इसकी एक ही वजह है कि आपका मंगल ग्रह बहुत ही कमज़ोर है। पुराने शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस व्यक्ति का भी मंगल ग्रह कमज़ोर होता है, वह व्यक्ति लाखों प्रयास भी कर ले, अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं जा पाता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का मंगल ग्रह मजबूत होता है और वह व्यक्ति गलत निर्णय भी लेता है, उस निर्णय से भी उसको फ़ायदा पहुँचता है, क्योंकि दोस्तों, मंगल ग्रह के स्वामी हैं हनुमान जी महाराज। अगर आप प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी महाराज की थोड़ी सी भी पूजा पाठ करना शुरू कर दें, तो यकीन मानिए दोस्तों, कभी भी आपको संकटों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कहा गया है कि हनुमान जी महाराज अपने हर भक्तों के संकट को हर लेते हैं, इसीलिए उनको संकट मोचन भी कहा जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूजा हनुमान जी के सामने सिद्ध हो जाए, तो आपको इसके लिए 10, 12, 15, 20 मंगलवार तक लगातार पूजा पाठ करना होता है। लेकिन अगर आप पूरे साल में सिर्फ बड़े मंगलवार के दिन अपनी पूजा बड़े मंगलवार के दिन करेंगे, तो आपकी पूजा एक दिन ही में सिद्ध हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों, बड़े मंगलवार का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि वेद पुराणों में साफ साफ कहा गया है, बड़े मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, वो अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं और उनके सामने कोई भी पूजा व्यक्ति करता है, उसकी पूजा तुरंत ही सिद्ध हो जाती है और उसका लाभ उसको तुरंत पलट करके मिलता है। आज के इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे गुप्त उपायों के बारे में बताने आ रहे हैं, जो सुबह से लेकर के रात के बीच में आप कभी भी कर लेते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, इन उपायों को करने के बाद ना केवल आपके जीवन में जो आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, बल्कि जिस बीमारी ने आपको जकड़ रखा था, उस बीमारी से आपको मुक्ति भी मिल जाएगी। इसी तरीके से आपका चौपट हुआ व्यापार भी चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा और आप खुद देखेंगे कि कैसे आपके घर की बरकत होगी, उन्नति होगी। ना केवल आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे, बल्कि आपके भाग्य का आपको इस प्रकार से साथ मिलेगा, जिसके बाद आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि आज के दिन किए गए उपाय के बाद आपको हनुमान जी का वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को भगाए बिना लास्ट तक अंत तक देखिएगा, क्योंकि जितने भी हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं, ये बहुत ही आसान से उपाय हैं और इन उपायों को करने के बाद आपको पूरे साल इनका लाभ मिलता रहेगा। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी का आशीर्वाद आप पे और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें और हनुमान जी का आशीर्वाद आपको इस प्रकार से मिले, जिसके बाद आपको किसी भी प्रकार के संकट का सामना ना करना पड़े, और अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए, हनुमान जी महाराज की जय, जय बजरंग बली की। अब देखिए दोस्तों, जितने भी हम आपको उपाय बताने रहे हैं, हर उपाय को बड़ा ध्यान से सुनिएगा। उपाय को किस मुहूर्त पर करना है, ये भी थोड़ा कहीं पर लिख लीजिए, ताकि जो भी आप उपाय करें उसका आपको पलट करके लाभ मिले, क्योंकि कहा जाता है कि हनुमान जी महाराज के सामने अगर पूजा पाठ की जाए, तो पूजा तो हमारी सफल हो जाती है, लेकिन पूजा को हमेशा नियम पूर्वक करना चाहिए दोस्तों, तभी हमको उसका लाभ मिलता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन था दोस्तों, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं, वो है धन प्राप्ति का महा उपाय, और ये आपको सूर्यास्त के बाद करना है, जैसे सूरज ढल जाए, यह उपाय अगर आप करते हैं, तो इस उपाय को करने के बाद हनुमान जी का वो आशीर्वाद आपको मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में धन चुंबक की तरह खिंचा हुआ चलाएगा, इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी, और जो आपके पास धन आएगा उसमें बहुत तेज़ी से वृद्धि भी होगी, उसी धन के द्वारा आपको कई प्रकार के और भी रास्ते दिखेंगे कि आपके पास धन आना शुरू हो जाएंगे।
तो आपको क्या क्या चाहिए दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज के दिन सूर्यास्त के बाद आपको एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़े पर आपको एक मुट्ठी हरी धनिया रखनी है, आपको 51 काली मिर्च, 2 इलायची, 3 कपूर, 1 लौंग। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हो दोस्तों, एक लाल कपड़ा लीजिएगा। लाल कपड़े पर आपको एक मुट्ठी हरी धनिया रखनी है, 51 काली मिर्च, 2 इलायची, 3 कपूर और 1 लौंग रखना है। अब आपको नहाना है धोना है सूर्यास्त के बाद। नहाने धोने के बाद लाल वस्त्र का धारण करना है। अब आप बार बार ये सोचोगे कि लाल कपड़ा ही क्यों, तो बता दें दोस्तों जो लाल रंग होता है वो हनुमान जी महाराज को बहुत ही प्रिय होता है और उनकी पूजा में अगर लाल वस्त्र पहन के पूजा पाठ की जाए तो हमको तुरंत ही उनका आशीर्वाद मिल जाता है। अब आपको लाल वस्त्र का धारण करना है, लाल कपड़े पहनिए, किसी भी हनुमान मंदिर जाइए, सबसे पहले एक चमेली का तेल का दीपक जला दीजिए। चमेली का तेल का दीपक जलाने के बाद आपको 11 बार वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते तो वहाँ पर जो पुजारी हैं उनसे पाठ करवा दीजिए। तुरंत ही हनुमान चालीसा का पाठ करवाने के बाद ये जो लाल कपड़े में आप लोग ने हरी धनिया, काली मिर्च, इलायची, कपूर, लौंग रखा है, इसकी पोटली बना लीजिए और इसको हनुमान जी महाराज के दाएं चरण से छुआ करके तुरंत घर पर लाइए और अपनी अलमारी में, तिजोरी में, जहाँ पर आप पैसा सोना चांदी रखते हैं वहाँ पर इसको रख दीजिए। आपके जीवन में इस उपाय के बाद इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। आपके जीवन में धन संबंधित जो भी परेशानियाँ होंगी वो तो खत्म हो ही जाएंगी, उल्टा आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको साक्षात हनुमान जी का वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन में धन आने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दूसरा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं जो दोस्तों, वो है मनोकामना पूर्ति का महाउपाय। आपकी कैसी भी मनोकामना है आज के दिन सुबह से लेकर के रात के बीच में बस एक उपाय कर लीजिए। इस उपाय को करने के बाद आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। बरगद का पेड़ तो आप लोग जानते होंगे, घर के पास किसी भी बरगद के पेड़ के पास जाइए, पत्ता नहीं तोड़ना है, जो गिरा हुआ पत्ता है उसको उठाना है, उठाने के बाद उस पर सिंदूर से जय श्री राम लिखना है और दोस्तों किसी भी बहते हुए नदी में इसको परिवाहित कर देना है। सुबह से लेकर के रात के बीच में कभी भी यह उपाय कर लीजिए, आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूरी हो जाएगी। ये दोस्तों आज उपाय नहीं है, प्राचीन काल के समय का महाउपाय है जो ऋषि मुनि राजा महाराजा करते हुए चले आ रहे हैं और आप भी यह उपाय करके देख लीजिए। आज बड़ा मंगलवार है, हनुमान जी के आशीर्वाद से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। तीसरा उपाय है दोस्तों नौकरी प्राप्ति का महाउपाय। अगर आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपकी नौकरी नहीं लग पा रही तो यह उपाय कीजिए जो आज आपको हम बताने रहे हैं। इस उपाय को करने के बाद आपकी नौकरी अवश्य ही लगेगी। आपको क्या चाहिए, एक साधारण सा नींबू, नींबू पूरा हरा होना चाहिए, नींबू ले लीजिए, इसको दो भाग में काट लीजिए, हनुमान जी के मंदिर जाइए। सबसे पहले हनुमान जी के मंदिर जाइए, आप लोगों को यहाँ पर एक चमेली के तेल का दीपक जलाना है। चमेली का तेल का दीपक जलाइए, इसमें एक लौंग डाल दीजिए, नींबू जो लाए हैं आप नींबू के साथ आपको 7 लौंग भी लेकर के आना है। अब आपको हनुमान जी के सामने बैठ करके 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, एक नींबू में आपको 7 लौंग गाड़ देना है। इसी 7 लौंग जिस नींबू में आपने गाड़ा है इस नींबू को आपको लाल कपड़े में रखना है, उस लाल कपड़े की पोटली बना लेनी है और अपने घर पर आ जाना है। अब आप जब भी इंटरव्यू देने जाएं या नौकरी संबंधित कहीं भी जाएं इस पोटली को हमेशा अपने साथ रखिएगा। कहा जाता है दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जिसको करने के बाद अवश्य ही आपकी नौकरी लग जाती है और अगर आप किसी भी पंडित, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजर से इस उपाय के बारे में पूछेंगे तो वो आपको यह उपाय के बारे में बताएंगे। और कहा जाता है बड़े मंगलवार के दिन अगर नींबू का उपाय किया जाए वो कभी भी खाली नहीं जाता है, तो यह उपाय करना मत भूलिएगा। और आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था दोस्तों वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। चौथा उपाय है दोस्तों बंद पड़े व्यापार को चलाने का महाउपाय। अगर आपका कोई ऐसा व्यापार है जो ठप पड़ा हुआ है, जो चल नहीं रहा है और आप चाहते हैं कि आपका व्यापार चल जाए, हनुमान जी का आशीर्वाद मिल जाए आपको, तो क्या करना होगा आपको, बहुत ही आसान सा उपाय है दोस्तों। आपको बस यह करना है एक लाल गुलाब की माला जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये ले जाकर के हनुमान जी महाराज को पहनाना है। ये आप सुबह से शाम के बीच में कभी भी कर दीजिए, इतना करने के बाद हनुमान जी की वो कृपा आपको मिलेगी जिसके बाद आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। इसी प्रकार से आपको ऐसी किसी बीमारी ने पकड़ लिया है जिसका आप इलाज करा करा के थक गए हैं लेकिन आपको उससे फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो सुबह से शाम के बीच में किसी भी वक्त आप लोग हनुमान जी के मंदिर जाइए, बेसन के लड्डू का भोग उनको लगाइएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा बेसन के लड्डू में एक तुलसी का पत्ता अवश्य ही रख दीजिएगा। इसी तरीके से दोस्तों मान लीजिए आपके घर की बरकत नहीं हो रही है, उन्नति नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना चाहिए, आज के पूरे दिन में कभी भी अपने घर पर 11 रोटियां बनवाइए, 11 रोटी पर हल्के हल्के से गुड़ की भेली रख दीजिए, किसी भी लाल गाय को या खिला दीजिए 11 रोटी जिस पर आपने गुड़ की भेली रखी है और अवश्य ही आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति भी होगी और हनुमान जी की कृपा आपके घर पर सदैव बनी रहेगी। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर लाइक कर दीजिए।